एग्जाम्पल नंबर 4.1 में हमें एक स्ट्रेट वायर गिवन है जिसका मास 200 ग्राम, जिसकी लेंथ 1.5 मीटर है और वायर में करंट 2 एम्पियर है। यह वायर मिड एयर के अंदर फ्रीली सस्पेंडेड है, मतलब कि बिना किसी की सपोर्ट के लटके हुए है। यदि यह वायर यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड बी में रखी है तो हमें मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताना है। आइए हम सॉल्यूशन को समझें। जैसा कि हम समझ सकते हैं कि यदि कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हो तो उस पे एक फोर्स लगता है, जिसे हम लोरेंट मैग्नेटिक फोर्स भी कहते हैं, और इस फोर्स की डायरेक्शन हम आई क्रॉस बी करके देख सकते हैं। इस तरह से हम इस केस में देखेंगे कि यह जो क्रॉस से मैग्नेटिक फील्ड दिखा रखा है, यह इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है और करंट की डायरेक्शन हमें राइट साइड गिवन है। अगर हम आई क्रॉस बी करेंगे तो फोर्स अपवर्ड होगा, और हम समझ सकते हैं कि इस करंट कैरिंग वायर पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स जब इस वेट के इक्वल हो जाएगा तो यह वायर फ्रीली सस्पेंड हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि mg इज इक्वल टू दिस फोर्स F, और जब भी कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हो तो उस पे फोर्स का फॉर्मूला होता है ILB। तो यहाँ से B आ जाएगा, B इज इक्वल टू mg अपॉन IL। mg, I और L की वैल्यू हमें गिवन है, इसे हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.65 टेस्ला। यहाँ तक अपना आंसर हो गया, बट आगे NCERT में कुछ लिखा है वो मैं आपको समझा देता हूँ। आगे लिखा है कि यदि हमारे पास मास पर यूनिट लेंथ हो, मीन्स मास अलग से ना गिवन हो, लेंथ अलग से ना गिवन हो, तो भी हम इस बी की वैल्यू बता देते। और आगे यह लिखा है कि यदि यह वायर हवा में लटकी हुई है तो इस पे लगने वाले अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को हम इग्नोर कर सकते हैं, जो कि लगभग 4×10⁻⁵ टेस्ला होता है। यही अपना आंसर था। थैंक यू वेरी मच।